सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, अभी टाइम जो है ना 10:30 हो गया है एंड देखो बाहर का मौसम, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया है। ओके, ये देखो पॉल्यूशन कम हो गया है, मतलब है बट उतना नहीं है। एंड नंबर्स पे जाएं तो 331 करीबन है, एक UI अभी चल रहा है 331 के अराउंड। सो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह सुबह एकदम से पटाखे फूटने लगे। उसका रीज़न ये था कि छठ पूजा थी, छठ पूजा सुबह सुबह होती है, तो उस टाइम पे शायद पटाखे फोड़ रहे होंगे, पूजा के टाइम पे पटाखे फोड़ रहा हूँ, तो नियो ने एकदम से उठ गया और फिर उसने परेशान करना चालू कर दिया। सुबह सुबह 6:30 बजे नींद खुल गई। वैसे तो 6:30 तो बज गया था, बट लेकिन ना ऐसा था कि एक बार नींद, जब गहरी नींद हो ना टूट जाए तो फिर बड़ा दिक्कत होती है। फिर लेकिन उसके बाद मैं दोबारा सोया, फिर नियो को थोड़ी देर कंसोल किया, थोड़ी देर में पटाखे ज़्यादा नहीं फूटे, कम ही फूटे, बट बहुत ज़ोर से आवाज़ थी, तो मैं भी उठ गया था एक बार पटाखे की आवाज़ से। फिर नियो परेशान करने लगा थोड़ी देर, फिर उसको थोड़ी देर बैठाया, फिर उसको सुलाया थोड़ी देर में, 7-7:30 बजे वो सोया, उसके बाद में सोया, तो 1 घंटे नींद का ब्रेक हो गया। उस वजह से अपने को उठने में लेट हुआ, उठ के फिर वीडियो वगैरह एडिट किया, व्लॉग लाइव किया आपके लिए, तुरंत देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, एंड सीन आज कुछ नहीं है भाई, आज तो ऑफिस है, मंडे है, तो आराम से बैठ के ऑफिस करेंगे, पहले चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बहुत दिनों से हम आउट ऑफ डाइट है, मैंने कहा आज भी आउट ऑफ डाइट ही रहते हैं एंड कल से वापस अपने शेड्यूल में आने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी हम खाने वाले मैगी, तेरी अपनी मैगी। ठीक है, एंड मैगी खा रहे हैं साथ में और कुछ नहीं। एंड मैं वैसे ना कुछ दिनों तक मैं सोच रहा वेजिटेरियन खाऊं, कुछ नॉन वेज नहीं खाने वाला थोड़े दिनों तक मैं, कुछ मतलब अंडा चिकन, मतलब ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा कुछ नॉन वेज खाने का, तो अपन वेज खाएंगे। तो ये रही अपनी मैगी, मस्त मैगी खाते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस, नहा आगे चेंज कर लिया, ठीक है, थोड़ी देर ऑफिस भी किया, अभी लंच बन चुका है, लंच करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा ना कुछ सिंपल खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला नॉर्मल दाल चावल बना देना। ठीक है, नॉन वेज वगैरह कुछ दिन मैं अवॉइड करने वाला हूँ, अवॉइड तो पता नहीं, देखो कितने दिन होते हैं कुछ पता नहीं, बट ट्राई करेंगे थोड़ा, क्योंकि ना बीच में बहुत ज़्यादा हो गया, लोग उत्तराखंड गए एंड वहाँ शादी में भी। चलिए नेवरदलेस, चलिए चल के खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं अपना। ओके, चलो उठो, चलो नहीं लंच करवा जाओ, तुम्हारा लंच लग गया। कम सुबह ये ना सुबह से सो रहा है, जब भी हम बाहर से आते हैं ये भाई साहब 2-3 दिन तक एकदम सुस्त रहेंगे, सोते रहेंगे। हमारा खल लग गया लंच, लंच कर लेते हैं। लंच के साथ साथ संतरे, लंच से पहले फल खाना चाहिए ताकि खाना कम खाया जाए, सलाद खाना चाहिए, मैंने सुना तो आपने फल क्यों बोल दिया। गाइस ये लग गया अपना लंच, दाल चावल और थोड़ी सी कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी है ना, कद्दू की सब्जी, भिंडी तो मैं चावल के साथ अच्छी नहीं मानता, रोटी होती तो जरूर भिंडी खाते, बट चलो लंच कर लेते हैं। चलो चिकन भी अगर खाना चाहो तो, यार चिकन तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब 1-2 दिन थोड़ा 2-3 दिन गैप। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है, अभी सीन ही है ना, इसके नीचे प्रिंटर पड़ा है, ये स्पीकर के नीचे, और इस प्रिंटर को लगाना है क्योंकि पापा को कुछ काम है। एंड ये जब से यहाँ पे रखा है ना तब से इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कुछ जुगाड़ करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेकर आऊँ, ताकि ये प्रिंटर जब चाहें तब यूज़ कर सकें। तो गाइस कुछ ऐसा ना, इसके लिए तो कुछ परमानेंट जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सीन ऐसा ना यहाँ भी सिर्फ 2 ही पॉइंट अपने पास, एंड यहाँ से अगर मैं एक्सटेंशन निकालता हूँ तो फिर वहाँ मतलब एक तो राउटर का है वो और एक फ़ोन का है। ठीक है, देखो एक ही ये 2 प्लग है ना, इनमें से एक राउटर का एक फ़ोन का है, तो यहाँ से अगर मैं एक्सटेंशन भी डालता हूँ तो मुझे 1 प्लग खाली करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, प्रिंटर फ़िलहाल उधर रख देते हैं, और जो भी काम करना पापा को बोलता हूँ कर लो, उसके बारे में सोचते हैं बाद में कैसे करना है इसको। जो लंबी वाली लाइटिंग थी ना वो तो मैंने खोल के फोल्ड कर दी, काफ़ी टाइम लगा उसको फोल्ड करने में। ठीक है, मैंने कहा कि बाकी की जो लाइटिंग है ना वो कल या परसों में करेंगे, क्योंकि थोड़ा ना सफ़र मतलब ये जो ट्रिप से वापस आया ना थोड़ा सोए नहीं कल ठीक से, थोड़ी थकान जैसे भी हो रही है, तो मैंने कहा आज तो कुछ करने की इच्छा है नहीं, वैसे भी ऑफिस चल रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया, एक छोटा सा काम है, दिखाता हूँ आपको क्या काम है। तो गाइस ये जो ग्रीन कलर की प्लेट है ना, ये अपने कीबोर्ड की है, इसका जो पोर्ट टूटा था ना बन के आ गया है। ठीक है, ये वाला पोर्ट था जो टूट गया था, ये लगा दिया दोबारा, अब इस प्लेट को वापस पियानो में लगानी है, इस प्लेट को वापस पियानो में लगाना है, देखते हैं काम हम कर पाएंगे या नहीं। नट इतने सारे ना, ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नट है, खैर इतने मैंने खोल दिए, इनको खोलने बहुत टाइम लगेगा, शुरू करते हैं फिर। तीन ये है कि हमने ना प्लेट तो लगा दी, बट ये वाला एक जो पत्ती है ना मेरे से नहीं लग रही, ये वाली जो पत्ती है ना ये लग रही नहीं मेरे से, यहाँ पे लगती है बट ठीक से आ नहीं रही,
तो वीर भाई ने बोला कि भाई तुम छोड़ दो, पैसे रख दो, मैं आके लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना। इससे पहले उसने बोला टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया उसको। सो गाइस अभी ना शाम हो गई है, थोड़ी सी भूख सी लग रही है, ठंड भी लग रहा है यार, ठंडा भी हो गया है बाहर मौसम ना। गाइस आज ना शादी है नीचे, आवाज़ आ रही होगी गाने की आपको, ये बैंक्वेट हॉल है। आ गया हमारी शाम की, बिस्किट भी देना मेरे को, भूख भी लग रही थोड़ी सी। एंड पापा को कुछ प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ मैं। एंड गाइस प्रिंटर ना हमारा बहुत दिन से बंद पड़ा है। ये होता क्या ना, इंक ड्राई हो जाती है। वैसे ये वाला, इसकी इंक अलग वाली, कार्टलेज नहीं है इसमें, ये वाली इंक डलती है बॉटल वाली, तो मेरे ख्याल से इसकी इंक ठीक होनी चाहिए अभी तक। अभी अगर प्रिंट आ गया तो मतलब इंक ठीक है, नहीं आया तो मतलब, क्योंकि कम से कम 2-3 महीने से प्रिंटर ना बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, यूज़ नहीं हुआ है, इंक कहीं जम ना गई हो इस बात का डर है मेरे को। गाइस प्रिंट तो आ गया, इसका मतलब इंक जो है वो सूखी नहीं है, ठीक है। हैरी वाली इंक सही होती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। नहीं सूखी इंक, मुझे डर लग रहा था इंक सूखना ही हो, कितने 2-3 महीने से प्रिंटर यूज़ नहीं हुआ है ना, 2-3 महीने से प्रिंटर यूज़ नहीं हुआ है, 1 महीने में एक बार यूज़ करना ज़रूरी होता है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको यूज़ अभी। नहीं हो खेलने का टाइम हो रहा है इसका, खेलने का मन कर रहा है। देखो डस्टर उठा के दो, इधर दो, इधर दो, सो इस टाइम हो गया 8 बज रहे हैं एंड हम डिनर के लिए बैठ गए। हम थोड़ा जल्दी डिनर कर रहे हैं एंड ट्राई करेंगे कि आज से हम इसी टाइम पे डेली डिनर कर लें, बट ऑफिस के चक्कर में कभी ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए कोई नहीं, डिनर करते हैं। एंड आज डिनर में है गाइस, ये हैं कोफ्ते, लौकी कोफ्ते मम्मी ने बनाए हैं। बस ये अपनी प्लेट, इसमें है आपका कोफ्ते, लौकी कोफ्ते और रोटी। फटाफट डिनर कर लेते हैं, ये ऑफिस का काम भी है इसके बाद। सो गाइस ये है विनेगर वाले ऑनियंस, ठीक है, ये मेरे को काफ़ी पसंद है, दे दो अम्मा। सो गाइस परसों हल्बानी शादी में एक्चुअली सीन ये हुआ कि हमने कुछ ड्रोन शॉट भी लिए थे, बट जब इसका मुझे व्लॉग डालना था तो टाइम कम था एंड ड्रोन भी मेरे पास नहीं था, इस रीज़न से मैं ड्रोन शॉट्स डाल नहीं पाया। बट आज मेरे पास वो ड्रोन शॉट्स हैं एंड मैं सोच रहा हूँ जब कैप्चर किया तो क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, ठीक है। तो आप देखिए ड्रोन शॉट्स, इन बताइए आपको कैसे लगे, उस व्लॉग में नहीं आ पाया तो क्या हुआ, आप अभी देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज आप इंजॉय करिए ड्रोन शॉट्स। ऑफिस वगैरह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड अभी बज रहा है 10:30 एंड नींद आ रही काफ़ी, तो सोते हैं। व्लॉग वगैरह एडिट करके मैंने टाइम से ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं उम्मीद करूँगा कि आज भाई मेरी नींद पूरी हो जाए, बस आज इस तरीके से नींद पूरी हो जाए अच्छे से, ठीक है। कल का दिन फिर देखते हैं क्या करना है। सो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो यहीं पर ख़त्म एंड आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।